हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग के लिए आज हम चैप्टर जो लेके आए हैं, टिपिकली चैप्टर जैसे क्वेश्चन बार बार ग्रुप डी में या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में या अन्य डिपार्टमेंट में भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, एक से दो क्वेश्चन इन चैप्टरों से जो पढ़ाते जा रहे हैं उनसे एक से दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता है। तो जिसमें हम जान रहे हैं कि इसमें एक से दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक उसी तरीका से उसी हम चैप्टर को क्लियर करने का कोशिश करें। आप लोग को भी हम आप लोग से भी हम करते हैं, सजेस्ट करते हैं आप लोग को कि एग्ज़ाम में जो पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है उस चैप्टर को क्लियर जरूर कीजिएगा। बाकी तो अंधाधुंध जो तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं कि सेट प्रैक्टिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनियादारी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन से हम जानते हैं, जिस छोटे छोटे चैप्टर से फिक्स है कि क्वेश्चन आता है, उस चैप्टर को कभी कभी इग्नोर करते हैं। तो इन चैप्टरों के माध्यम से हम वैसे क्वेश्चन को आपको मेमोराइज करने का कोशिश करेंगे जो बार बार सवाल पूछता है। आज चर्चा करते हैं हम लोग प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक। अब यह प्लांट टिश्यू पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि खोज किसने की थी, तो टिश्यू कहते किसको हैं? टिश्यू कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल, एक कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है उत्तक। और वह जो कोशिका का समूह होता है वह एक ही तरह के कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है, उसी को कहा जाता है उत्तक। क्लियर? अब जब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 ईस्वी में, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1664 से 65 में, तो कोशिकाओं का ही एक समूह होता है यह उत्तक। अतः कह सकते हैं कि उत्तक की भी खोज क्वेश्चन पूछेगा आपसे रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। क्लियर? अब देखेंगे प्लांट सेल जो होता है ना, वह मेनली दो प्रकार से होता है। प्लांट सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक। क्लियर? हिंदी में इसको कहेंगे तो कहेंगे विभाज्योत्तक उत्तक। क्लियर? और दूसरा में होता है परमानेंट, अर्थात अस्थाई उत्तक या अविभाज्योत्तकी उत्तक। ठीक है? अब मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है यह वैसे भागों में पाया जाता है या पौधे के वैसे क्रियाओं में भाग लेता है जो कोशिकाओं में वृद्धि करके पौधे में भी वृद्धि करने का काम करता है, क्योंकि कोशिका में जब वृद्धि होगा तभी पौधे में भी वृद्धि करने का काम होगा, यानी तना बनेगा, पत्ती बनेगा, ऊपर सूट बनेगा, सूट का मतलब तना जो ऊपर जाता है, रूट बनेगा। तब जब कोशिकाओं में एक खास तरीके के कोशिका के समूहों में जब विभाजन होगा तभी इस प्रकार के पौधे में भी वृद्धि होने का काम करेगा। अब पौधा कैसे कैसे वृद्धि करता है? पौधा लंबाई में वृद्धि करता है, चौड़ाई में वृद्धि करता है, और इसके अलावा पौधा तब भी वृद्धि करता है जब पौधे के कुछ हिस्सा को, शीर्ष भाग को काट दिया जाता है या जानवरों के द्वारा खा लिया जाता है, तब पर भी पौधा फिर से ग्रो कर लेता है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है जब पौधा ग्रो कर रहा है तो ऐसा स्थिति में सेल डिवीजन जब तक नहीं होगा, सेल डिवीजन जब तक नहीं होगा, जब तक क्या किसी भी अंगों में डिवीजन हो पाएगा, वृद्धि हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अतः इसमें सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन ये परमानेंट होता है, अस्थाई हो चुका होता है। यह पौधे के एक निश्चित समय तक ही यह उत्तक एक्टिव होता है। जब तक इसमें कोशिका विभाजन की आवश्यकता पड़ती है तब तक यह एक्टिव रहता है, फिर उसके बाद यह डीएक्टिव हो जाता है और यही परमानेंट में बदल जाता है, अस्थाई में बदल जाता है। और यह अस्थाई जो होता है इसमें अब सेल डिवीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अब केवल उस पौधे को अस्थायित्व बनाए रखने में जरूरी होता है, जिसके कारण से इसके लिए सेल डिवीजन जो होता है वह जरूरी नहीं होता है या नहीं हो पाता है। इसमें एक चीज और, इसमें विभाज्योत्तकी उत्तक में इंटरसेलुलर जो होता है, अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है, यह इसमें नहीं पाया जाता है। यानी इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है पौधे में, इसके बीच में दो कोशिकाओं के बीच में कोई स्थान खाली नहीं रहता है, कोई जगह खाली नहीं रहता है,
उसे ही मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन उत्तक में कोशिकाओं के बीच खाली स्थान होता है या खाली स्थान नहीं होता है। तो खाली स्थान नहीं जो होता है वह मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, खाली स्थान नहीं होता है दो कोशिकाओं के बीच में। लेकिन वैसे कोशिकाओं का एक समूह जिसमें जिसके बीच इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है वह परमानेंट होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा सेल डिवीजन किस में होता है, तो मेरी एस्टेमेटिक में सेल डिवीजन किस में नहीं होता है, तो वह होता है अस्थायी ऊतक में सेल डिवीजन नहीं होता है। क्लियर? ये तो समझ गए। अब विभाज्योत्तकी ऊतक जो होता है, मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वह कितने भाग में बटा हुआ होता है, तीन भागों में बटा होता है। एक होता है एपिकल, दूसरा होता है लैटरल और तीसरा होता है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी काम क्या होता है जल्दी से समझ लेंगे। एपिकल का मतलब होता है शीर्ष। क्लियर? एपिकल का मतलब शीर्ष होता है, लैटरल का मतलब पार्श्व और तीसरा होता है अंतर्वेशी। काम थोड़ा सा समझ लेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रखेंगे कि मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू का कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखेंगे माली, माली से होता है मेरी एस्टेमेटिक, ए से एपिकल, ला से एल से लैटरल और आई से इंटर कैलरी। क्लियर? तो इसको याद रखेंगे मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल लैटरल और इंटर कैलरी के रूप में पाया जाता है। एपिकल का काम होता है पौधे के शीर्ष भाग को वृद्धि करने में मदद करता है या पौधे के वैसे स्थानों पर पाया जाता है जो शीर्ष भाग को बनाए रखता है, यानी पौधे के शीर्षस्थ भाग पर हेड पर पाया जाएगा। दूसरी बात, पौधे वृद्धि करता है तो ऊपर तो आप देखते हैं कि मिट्टी से ऊपर वृद्धि कर रहा है, लेकिन क्या मिट्टी के नीचे भी पेड़ वृद्धि करता है? हाँ वृद्धि करता है, जड़ों में भी वृद्धि होता है और वह जड़ नीचे भी जाता है। यानी कि यह एपिकल जो होगा जहाँ जहाँ वृद्धि करेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा, स्पेशली याद रखेंगे लंबाई में वृद्धि करने के लिए एपिकल मेरी स्टेम्स की आवश्यकता। लंबाई में वृद्धि कर रहा है ऊपर में भी और नीचे में भी, तो नीचे वाले हिस्से को जो मिट्टी के नीचे वाला हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं रूट सेक्शन और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं शूट सेक्शन। तो रूट सेक्शन और शूट सेक्शन के शीर्ष भागों पर यह एपिकल मेरिस्टेम्स पाया जाता है जो पौधे के लंबाई में वृद्धि करता है। क्लियर? इसको लिख देंगे कि लंबाई में वृद्धि करता है। अब लंबाई में वृद्धि कहाँ करेगा, रूट में और शूट सेक्शन में भी वृद्धि करने का काम करता है लंबाई के। दूसरा होता है लैटरल, यानी लैटरल मेरी एस्टेमेटिक, इसको याद रखेंगे लैटरल मेरी एस्टेमेटिक यानी पार्श्व विभाज्योत्तकी ऊतक। क्लियर? अब ये जो विभाज्योत्तकी ऊतक होता है लैटरल वाला, ये पौधे की मोटाई में वृद्धि करने के लिए, ये तो लंबाई वाला था, ये लंबाई वाला, और इस बार ये पौधे के तना की मोटाई में, पौधे के तना के मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है। पौधे के तना में मोटाई में वृद्धि करता है, तना के मोटाई में वृद्धि करता है। तो यह तना के मोटाई में वृद्धि करता है लंबाई में और ये मोटाई में वृद्धि करेगा। इंटर कैलरी मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसका काम होता है, नाम से अंतर स्पष्ट है, अंतर्वेशी। इंटर कैलरी यानी कि पौधा है, पौधा के बीच में एक पत्ती है, दूसरा पत्ती है। क्लियर? अब देखेंगे इसके और इसके बीच में, इसको कहा जाता है नोड, इसको कहा जाता है नोड, और दो नोड के बीच में ये जो स्थान आपका है, ये वाला ग्रीन वाला स्थान जो है इसको कहते हैं इंटर नोड, इंटर नोड। अब यह दो नोडों के बीच में इंटर नोड पाया जाता है और इसी इंटर नोड के बीच में इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, पाया जाता है। क्लियर? यह इसलिए पाया जाता है कि जब कभी भी इन पौधों को जानवरों के द्वारा, शाकाहारी जानवरों के द्वारा खा लिया जाता है
तब देखिए ऊपर वाला हिस्सा को जानवर खा गया, ऊपर वाला हिस्सा को खा गया, तो यहाँ पर इस पोर्शन में मौजूद है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यह क्या करेगा, वृद्धि कर जाएगा, क्योंकि वृद्धि उत्तक है, अतः यह वृद्धि कर जाएगा फिर से। फिर कल आप देखिएगा वह ग्रो किया हुआ रहेगा और फिर से वो तना है आया हुआ, अतः इंटर नोड में पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब कभी भी इसको छांट दिया जाता है या काट दिया जाता है तो यह पुनः फिर से ग्रो कर जाता है। तो उसको पुनः ग्रो करने के लिए, किसी पौधे को पुनः ग्रो करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। जनरली इसके अंतर्गत जो भी आता है इसके अंतर्गत वह घास कुल का पौधा आता है। घासे कुल में हमारा बांस भी आता है, दुनिया का सबसे बड़ा घास, लंबा घास कौन सा होता है, बांस। तो बांस के अंतर्गत बांस भी इसी में आता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे भाग में पाया जाता है जब काट दिया जाता है या छाट दिया जाता है या जानवरों के द्वारा खा दिया जाता है, तो फिर से ग्रो करने का काम जो करता है वह इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। क्लियर। अब देखेंगे परमानेंट टिश्यू जो होता है, परमानेंट टिश्यू जो होता है वह दो प्रकार का होता है। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल, सिंपल, और दूसरा को कॉम्प्लेक्स। सिंपल और दूसरा को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्लियर, दिख नहीं रहा होगा। एक को हम लोग कह लेते हैं सिंपल और दूसरा को हम लोग कह लेते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल कहिएगा, दूसरा को कॉम्प्लेक्स कहिएगा। ठीक, क्लियर। सिंपल का मतलब तो स्पष्ट समझ रहे होंगे, सरल उत्तक, और दूसरा है जटिल उत्तक। सरल उत्तक जो होता है वह तीन भाग में बटा हुआ होता है। सरल उत्तक तीन भागों में बटा होता है। एक को, पहला को कहा जाता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। दूसरा को कॉलेन्काइमा और तीसरा को स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। हिंदी में इसी का नाम याद रखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हिंदी में यह होता है मृद्युत्तक। क्लियर। दूसरा में जो होता है, दिख रहा है, दूसरा में जो होता है, इसको मिटा दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसको देख लीजिए थोड़ा सा। परमानेंट टिश्यू जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहेंगे सिंपल और दूसरा को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स। इसको भी याद रखने के लिए क्या कहेंगे, हम लोग पीसीएस का एग्जाम देते हैं। जिस तरीका से इसको माली याद रखेंगे उसी तरीका से हम लोग परमानेंट टिश्यू को भी याद रखेंगे, पीसीएस, परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा सिंपल। क्लियर। अब यह सिंपल यानी सरल उत्तक जो है यह भी तीन भाग में बटा होता है। पहला को कहेंगे पैरेन्काइमा, दूसरा को कहेंगे कॉलेन्काइमा और तीसरा को कहेंगे स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर। पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, पैरेन्काइमा का हिंदी जो होता है वह मृद्यु उत्तक। दूसरा जो होता है स्थूल कोण उत्तक और तीसरा जो होता है वह दृढ़ उत्तक। क्लियर। काम देख लेते हैं क्या होता है। तो पैरेन्काइमा एक ऐसा अस्थाई सिंपल उत्तक होता है जो मुलायम बनाता है, पौधे के छाल में यह पाया जाता है और पौधे को मुलायम बनाने का काम करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मुलायम, यह मुलायम बनाने का काम करता है, पहला काम। दूसरा काम होता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया होती है इस पैरेन्काइमा में। क्लियर। यह पौधे को मुलायम बनाता है,
अतः पौधे के छाल में पाया जाता है, क्योंकि छाल को हम पौधे का आराम से निकाल सकते हैं, तो यह पैरेन्काइमा ही हिस्सा होता है। तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा पैरेन्काइमा पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो कहिएगा कि पैरेन्काइमा जो होता है पौधे की छाल में पाया जाता है, बाहरी भाग में, जो मुलायम होता है। और फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया करने वाला उत्तक कौन सा होता है, तो कहेंगे पैरेन्काइमा। क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आपसे कि पौधे का वह कौन सा उत्तक होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होता है, तो वह कौन सा, पैरेन्काइमा होता है। दूसरा होता है स्थूल कोण उत्तक, यह इसकी तुलना में ये हार्ड होता है, पैरेन्काइमा की तुलना में ये थोड़ी सी हार्ड होती है। क्लियर। इस कोलेनकाइमा में स्थूल कोण उत्तक में होता क्या है कि इसमें बनाए गए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोजन होता है वो स्टोरेज होता है, यानी फूड पैकेजिंग करने का काम करता है, फूड पैकेजिंग यानी खाद्य को संग्रह करने का यह काम करता है स्थूल कोण उत्तक। और यह पौधे को तने को लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है ताकि जब आंधी या तूफान आए या हवा चले तो पौधा न टूट जाए क्रैक करके, इसके लिए हवा के साथ गति प्रोवाइड करने का काम करता है, झूमने का काम करता है। अतः जिसके कारण से इसको हम लोग लचीला कहेंगे। ये तो मुलायम था, बाहरी भाग में पाया गया तना में, जबकि तना के छाल में, छाल से बना हुआ होता है, इसको याद रखेंगे। आई लचीलापन प्रोवाइड करता है, लचीलापन प्रदान करता है, किसमें, तना में लचीलापन प्रोवाइड करता है स्थूल कोण उत्तक, और इसमें फूड पैकेजिंग करने का काम होता है कोलेनकाइमा का। क्लियर। और दृढ़ उत्तक जो होता है वह पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बाद सबसे हार्ड पार्ट होता है, हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस प्रोवाइड करने, पौधे का सबसे हार्ड भाग जो होता है वह यही दृढ़ उत्तक होता है। और एक और चीज याद रखिएगा, हार्डनेस के साथ यह उत्तक ऐसा उत्तक होता है जो मृत उत्तक होता है, मृत उत्तक होता है, मरा हुआ उत्तक होता है। क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है कि पौधे का कौन सा पादप उत्तक होता है जो मृत रूप में पाया जाता है, यानी कि मरा हुआ होता है, तो कहेंगे दृढ़ उत्तक होता है। अब तीसरा में इसी के अंतर्गत याद रखेंगे कि दृढ़ उत्तक जो होता है ना वह पौधे को हार्डनेस के साथ साथ इसको मजबूत भी प्रोवाइड करता है, मजबूती भी प्रोवाइड करता है, यानी स्ट्रॉन्गर भी यह होता है, मजबूती भी प्रदान करता है। क्लियर। यह मजबूती भी प्रदान करता है, मृत उत्तक भी होता है, और हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम इसी दृढ़ उत्तक में होता है। बेल को देखें, बेल का बाहरी हिस्सा कितना हार्ड होता है, तो यह दृढ़ उत्तक का ही होता है, मरा हुआ होता है। नारियल के देखे होंगे, कोकोनट, नारियल में भी बाहरी का हिस्सा कठोर होता है, यह नट को भी देखे होंगे बाहरी हिस्सा कठोर होता है, तो यह सभी दृढ़ उत्तक का उदाहरण है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, मृत होता है, मरा हुआ होता है, और यह स्ट्रॉन्गर यानी बाहरी आघातों से रक्षा करने का काम करता है, यह स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर। अब कॉम्प्लेक्स यानी जटिल के अंतर्गत आते हैं। जटिल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, दो भागों में बटा हुआ होता है जटिल, एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का क्या काम, तो पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए क्या क्या चाहिए, खनिज, लवण एवं जल चाहिए। क्लियर। प्रकाश भी चाहिए, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो खनिज एवं लवण तथा जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का काम जो उत्तक करता है वह होता है जाइलम उत्तक। इन दोनों उत्तक को, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, सम्मिलित रूप से हम लोग संवहनीय उत्तक कहते हैं, संवहनीय उत्तक कहा जाता है। संवहनीय उत्तक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम दोनों आता है, जो संवहन की क्रिया करता है जल, खनिज और लवण को पत्ती तक पहुंचाने का काम जाइलम उत्तक करता है। पहला सवाल। दूसरा चीज होता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है अपरिपक्व भोज्य पदार्थों को पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम उत्तक करता है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अपरिपक्व के बाद क्वेश्चन आपसे पूछता है कि खनिज लवण को पत्ती तक कौन पहुंचाता है, जाइलम उत्तक। अब जाइलम उत्तक जाहिर सी बात है कि जड़ों से जब यह पत्ती तक पहुंचाने का काम कर रहा है, या इसका मतलब होता है कि यह जाइलम उत्तक एक ऐसा संवहनीय उत्तक होता है जो एक दिशीय प्रवाह को इंगित करता है, एक ही दिशा में ले जा रहा है, नीचे से
ऊपर की ओर ले जा रहा है या बांटने का काम नहीं करता, केवल नीचे से सभी पत्ती तक पहुंचा देने का काम होता है जाइलम उत्तक को। क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधे का कौन सा उत्तक संवहनीय उत्तक होता है जो एक दिशीय प्रवाह को इंगित करता है, तो वह जाइलम होता है, एक ही दिशा में ले जाता है नीचे से ऊपर की ओर। जबकि फ्लोएम उत्तक का काम होता है जब भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बन जाता है तो बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम उत्तक का होता है। यह भी एक प्रकार का संवहनीय जटिल उत्तक होता है जो सभी दिशाओं में प्रवाह करता है भोजन को, जिसके कारण से इसे बहुदिशीय प्रवाह प्रणाली को इंगित यह करता है। बहुदिशा में सभी दिशाओं में यह जाता है लेकिन यह एक दिशीय प्रवाह को इंगित करता है। क्लियर। अब क्वेश्चन एक आपसे और पूछेगा कि बताइए कि पौधे अपना भोज्य पदार्थ किस रूप में संग्रह करते हैं, तो कहेंगे स्टार्च के रूप में। क्या के रूप में? स्टार्च के रूप में संग्रह करने का काम करता है स्टार्च के रूप में। हम लोग अपना भोज्य पदार्थ किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जमा कर लिया जाता है लेकिन पेड़ पौधा स्टार्च के रूप में जमा करता है। क्लियर। तो ये था हमारा प्लांट टिश्यू आज, और ये पीसीएस तो याद ही रखेंगे आपकी। पीसीएस के अंतर्गत आता है कि परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। फिर उसके बाद सिंपल टिश्यू हो जाता है, इसको भी पीसीएस से याद रखिएगा। सिंपल टिश्यू जो होता है परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा, देखिए पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आज की सेवा को देते हैं विराम। चैप्टर को आप लोग बार बार रिपीट करते रहिएगा, देखते रहिएगा, और अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।